नमस्कार, मैं शालवी स्पीड न्यूज से आप सभी को शाहू जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए तो फिर आज के न्यूज बुलेटिन पे नजर डालते हैं। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन। माननीय डॉक्टर के एस चौगुले अण्णा, संस्थापक अध्यक्ष, श्रीपतराव चौगुले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, मारवाड़ी कोतोली, तालुका पन्हाड़ा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने महिला अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा के लिए यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक टॉयलेट तैयार किया है। नासा ने कहा कि इसे बनाने में 147 करोड़ रुपए का खर्चा आया और बनाने में पूरे 6 साल लगे। नासा अब इस नए टॉयलेट सिस्टम को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भेजने की तैयारी में है। नासा ने बताया कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों को टॉयलेट के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो इस नए सिस्टम के बाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक मस्जिद को अस्थाई कोविड 19 केंद्र में तब्दील कर दिया गया। मस्जिद में कोरोना मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के संचालक जमात ए इस्लामी ने मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के चलते ये कदम उठाया। इन्होंने बताया कि इस केंद्र को सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रखा जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एक 14 वर्षीय फैन ने अभिनेता की मौत का सामना करने में असमर्थ रहते हुए आज आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट के अनुसार नागपुर के निवासी लड़के ने 14 जून को अभिनेता की मौत पर बुरी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसी के चलते उसके परिवार ने आत्महत्या द्वारा अभिनेता की मौत के बारे में खबर से अपना ध्यान हटाने के लिए सब कुछ किया था, पर ये मेहनत असफल रही। इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL में लिवरपूल ने गुरुवार को खिताब जीत लिया। इंग्लैंड के इस फुटबॉल लीग में 30 साल बाद लिवरपूल का चैंपियन बनने का सपना पूरा हुआ है। 132 साल के इतिहास में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 20 किताब जीते हैं और अब उसके बाद लिवरपूल के पास 19 किताब है, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद ये सबसे ज्यादा लीग किताब पाने वाली टीम बन रही। कोल्हापुर ने अपनी कोरोना वायरस रिकवरी रेट 90.4% दर्ज की है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में कोल्हापुर में सबसे अधिक रिकवरी रेट है और प्रभाणी 87.1% के साथ दूसरे स्थान पर है। कोल्हापुर जिले में 25,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जो महाराष्ट्र के दक्षिण में कोविड 19 परीक्षण की सबसे अधिक संख्या है। पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित स्टेट है। महाराष्ट्र की रिकवरी रेट 51.64% है और महाराष्ट्र में सबसे कम रिकवरी रेट सोलापुर में दर्ज की गई। भारत की ओर बढ़ते हुए, भारत ने अब तक 4,73,105 कोविड 19 मामलों की रिपोर्ट की है, जिनमें से 2,71,696 मरीज ठीक हो गए हैं। भारतीय रेलवे ने पीयूष गोयल के नेतृत्व में 12 अगस्त तक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों सहित सभी नियमित समय पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि कुछ विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी और अगस्त से पहले नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू होंगी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में घोषणा भी की कि वह सभी नियमित समय निर्धारित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक बुक किए गए सभी ट्रेन टिकटों के यात्रियों को पूरी बुकिंग राशि वापस कर देगी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प और सैन्य टकराव के बाद भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने अपने सबसे घातक हथियार को लद्दाख पहुंचा दिया है। सैन्य सूत्रों ने बताया कि T-90 टैंक की तैनाती से भारत ने चीन को एक तरह से कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार बैठे हैं। खबर आई है कि भीष्म से पहले T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से ही लद्दाख में तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 1.25 करोड़ प्रवासी कामगारों और अन्य लोगों को रोजगार मुहैया करवाने वाली एक अभियान आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी नौकरी खो दी, इस अभियान से उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को कवर करने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन जिलों में 30 लाख से अधिक प्रवासी मौजूद है, जो देश में लॉकडाउन के बाद घर लौट आए हैं। टिकटॉक इस तरह पॉपुलर हो चुका है कि दूसरी बड़ी कंपनियां भी इसके तर्ज पर ऐप लाने की कोशिश कर रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद अब यूट्यूब भी इस रेस में आ चुका है। दरअसल यूट्यूब एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत यूजर्स 15 सेकेंड्स के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
YouTube ने कहा है कि मल्टी सेगमेंट वीडियो फीचर के तहत कुछ यूजर्स को शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। YouTube का ये फीचर टेस्टिंग के तौर पर लिमिटेड यूजर्स के लिए एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में गुरुवार को बिजली गिरने से 110 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा 83 मौतें बिहार में हुई। यहां 23 जिलों में बिजली गिरने से लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 23 और झारखंड में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं अब बिहार के 12 जिलों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है और यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में हुई मौतों पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें राहत कार्य पर जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश किया है।